दिस इज मी शेफ शाइना शुमाल एंड यू आर वाचिंग कुकिंग विद शाइना। आप देख रहे हैं कुकिंग विद शाइना और आज यहाँ बनने वाली है बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। और आज जो रेसिपी बन रही है वो भी देसी कुजीन से बिलोंग करती है। आजकल ज़्यादातर मैं देसी डिशेज पे आ गई हूँ तो अब इंशाल्लाह इसको मूव ऑन भी करेंगे, लेकिन अभी है विंटर और विंटर की वजह से मेरा गला आप लोगों को महसूस हो रहा होगा कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ हुआ है। अच्छा जी, आज बन रहा है यहाँ पर फिश का सालन, या इसको आप सेकंड इसका नाम भी ले सकते हैं, फिश कोरमा। तो इसे फिश का सालन भी कहते हैं और फिश कोरमा भी कहते हैं। तो उसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं तो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ जो लिए हैं मैंने 1 kg ली है मैंने फ़िश, और उसको इस तरह से पीसेस मैंने करवा लिए हैं उसके साफ़ वगैरह करवा के। तो ये साफ वगैरह करवाने के बाद मेरे पास उसकी क्वांटिटी है वो 1 kg है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो है वो दही मेरे पास आधा कप मौजूद है, ज़ीरा है इसके अंदर 1 tablespoon शामिल होगा, साथ साथ जो है वो पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर है 1 tablespoon, इसके साथ जो है वो यहाँ पर गरम मसाला पाउडर 1 tablespoon, पिसा हुआ धनिया 1.5 tablespoon, पिसा हुआ धनिया थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, क्रश चिली यहाँ पर ली है मैंने 1/2 tablespoon, थोड़ा सा फ्लेवर्स को जो है वो बैलेंस करेंगे, दालचीनी के सिनेमन स्टिक्स हैं मेरे पास 2 अदद, या आप एक बड़े साइज़ की ले लें, और जो है वो साथ साथ जायफल जवतरी 1/4 teaspoon, दोनों को मिला के क्रश करके जो मैं रखती हूँ वो है। अच्छा जी, इसके अलावा जो है यहाँ पर मेरे पास सिरका मौजूद है और साथ साथ मेरे पास ये नमक, और यहाँ मेरे पास मौजूद है हल्दी। तो ये हो गए हमारे तमाम इंग्रेडिएंट्स। और सबसे पहले हमने करना है अपनी फ़िश को मैरिनेट। अच्छा, फ़िश की वॉशिंग का एक तरीका होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि फ़िश में से जो है हमें हैरान आती है, स्मेल आती है। तो वैसे तो अगर आप इसको नॉर्मली ही होता है, रेस्टोरेंट्स वगैरह में ही होता है कि वो इतने ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल्स को फॉलो नहीं करते, लेकिन जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है फिश से कि हमें फ़िश में से एक बिसान सी आती है, स्मेल सी आती है, तो उन लोगों के लिए मेरे पास एक रेमेडी है। इसको क्या करना है, आपने पहले अच्छी तरह नल में जो है अपने पानी से, नॉर्मल वाटर से फिश को वॉश कर लें। उसके बाद जो है वो सिरका, यानी कि सफ़ेद वाला सिरका मेरे पास ये 1/4 मौजूद है, 1/4 cup, इसको मैंने डाल के इसमें सोक कर दिया है, और थोड़ा सा मैं इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। ठीक है जी, सॉल्ट और सिरका लगा के, पिंच ऑफ सॉल्ट, बहुत ज़्यादा नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसको मिक्स कर देंगे और मिक्स करके इसको रख देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। 10 से 12 मिनट के लिए आप सिरके में डीप कर लें इसको, ताकि इसके अंदर किसी किस्म की स्मेल है, किसी किस्म की बिसांत है। वैसे तो नॉर्मली अगर आप शेफ्स की बात सुनेंगे, शेफ्स क्या कहते हैं इसके बारे में, तो शेफ्स जो होते हैं ना वो ये कहते हैं कि जितना भी आप मीट को, प्रोटीन को जितना भी कम वॉश करेंगे उतना ज़्यादा वो फ्लेवरफुल होगा। लेकिन अगर हम घरों की कुजीन की बात करें तो उन लोगों को थोड़े से ये मसाइल होते हैं, तो उन लोगों के लिए मैंने आज ये करके दिखा दिया है कि इस तरह से आप सिरके में डाल के डीप कर दें तो उससे जो है वो अदरवाइज कोई स्मेल है वो सारी रिलीज हो जाएगी। फिश जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है खाने के लिए, और स्पेशली सर्दियों में आती भी, मतलब माशाल्लाह अल्लाह ताला की कुदरत होती है कि सर्दियों में आती भी ज़्यादा है। ये बात और है कि प्राइजेस थोड़े से इंक्रीज़ हो जाते हैं, लेकिन अगर देखा जाए गर्मियों की बनस्बत तो फिश ज़्यादा अच्छा जो है वो आ रही होती है हर किस्म की, और भरपूर मिकदार में अगर मैं इसका वर्ड लूँ तो ये है। बस ये देखेंगे, मैंने इस तरह से इसको सोक करके रख दिया है, मैं इसको थोड़ी देर सोक करके ही रखूँगी। अच्छा जी, साथ साथ क्या करना है, हमने दही जो मेरे पास मौजूद है, इस दही में जो है वो मैं मसालों को मिक्स करूँगी और इसको मिक्स करके एक मैं बैटर सा बना लूँगी। तो यहाँ सबसे पहले जो मैं ले रही हूँ क्यूमिन, ज़ीरा है, ज़ीरे को मैं क्रश कर रही हूँ अपने हाथों की मदद से। ये देखें, इसको थोड़ा सा हमने दरदरा सा कर लेना है, और ये यहाँ पर मैंने ज़ीरा शामिल कर लिया है। ठीक है जी, ज़ीरा इसके अंदर शामिल हुआ है, क्रश चिली 1/2 tablespoon ये इसके अंदर शामिल हुई है। अच्छा, थोड़ा सा काम मुझे और करना था, मैं साथ साथ अपनी कुकिंग की तरफ भी आ जाऊँ, ऐसा ना हो कि ये करते करते जो है हमारा लेट हो जाए। तो हमें प्याज इसमें ब्राउन करनी होती है, और 2 अदद जो है वो प्याज़े मैंने यहाँ पर स्लाइस करके रखी हुई हैं, 2 अदद प्याज़े हैं ये, इसको हमें करना है ब्राउन। तो ब्राउन करने के लिए हमें जो है वो यूज़ करना होगा ऑयल, तो ऑयल मैं इसमें डाल रही हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम, यहाँ मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है, और अब हम क्या करेंगे, इसमें हम प्याज़ों को ब्राउन कर लेंगे। ठीक है, ये प्याज जो है वो मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, तो थोड़ी सी मैं इसमें बचा लूँगी। ऑयल को गर्म होने देते हैं, जैसे ही ऑयल गर्म होगा
हम इसमें प्याज डाल देंगे, साथ साथ प्याज भी ब्राउन हो जाएगी और हम मसाला भी तैयार कर लेंगे। अच्छा, इस मसाले की तरफ आ जाते हैं अगेन। इसमें मैंने क्या डाला है, जीरा और क्रश चिली डाला है, हाफ कप दही है, साथ साथ जीरा और क्रश चिली डाला है। यहाँ पर है मेरे पास पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऐड करा है, गरम मसाला 1 टेबल स्पून, गरम मसाला की क्वालिटी के बारे में मैं हमेशा आपको कहती हूँ, बहुत मैटर करता है, और साथ साथ 1.5 टेबल स्पून यहाँ पर मेरे पास है पिसा हुआ धनिया, ये भी मैंने इसमें डाल दिया है। ठीक है जी, जायफल एंड जावित्री मेरे पास मौजूद है 1/4 टीस्पून, ये भी हमने इसमें शामिल कर दी है, बहुत अच्छी खुशबू देती है लेकिन क्वांटिटी इसकी बहुत एहतियात से रहती है। हल्दी, टर्मेरिक ये डालूंगी मैं इसमें 1 टीस्पून। अच्छा जी, दालचीनी है लेकिन दालचीनी अभी शामिल नहीं करेंगे, दालचीनी कब शामिल करनी होगी मैं बताऊंगी। सॉल्ट हम इसमें शामिल करेंगे, सॉल्ट मैं इसमें तकरीबन 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मैंने सॉल्ट अपनी फिश पे भी लगाया था, तो ये मैं यहाँ पर 1 टीस्पून सॉल्ट मैंने इसके अंदर ऐड किया है। ठीक है, और ये चीज़ें एक्स्ट्रा जो है वो मैं यहाँ से हटा देती हूँ। जी, तो अब हम क्या करेंगे, जो प्याजे हैं हमारे पास ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, इसमें लाए रखवा रही हूँ ताकि ये अच्छे से ब्राउन हो जाए। आप देख रहे होंगे मैं हाथों से इस तरह से करके क्यों डाल रही हूँ, मैं थोड़ा सा इसको खोल रही हूँ, ये ज्वाइंट हुई हुई है, तो इसको ये देखेंगे इस तरह से मैं खोल के शामिल कर रही हूँ। तकरीबन 2 अदद दरमियाने प्याज हमने इसमें शामिल करी है, थोड़ी सी मेरे पास बड़ी साइज की थी तो मैंने रोक ली है। अच्छा जी, प्याज जो है हमारी ये जब तक हो रही है, ठीक है, ब्राउन, थोड़ी सी इसमें और ऐड कर देते हैं ना। चलें जी, बस दैट्स इट, अच्छी तरह से मिक्स कर लें। जब तक ये ब्राउन हो रही है तब तक हम अपना बाकी का काम कर लेते हैं। अच्छा जी, बाकी का काम क्या करना था हमें, इसको भी हटा देते हैं ना, भी नहीं है जी। अब हम इस मसाले को मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह दही में। ये एक तरीके की मैरिनेशन तैयार हो गई है। ये देखें, ये इस तरह से आपने इसका एक मिक्सचर बना लिया और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है दही में, जो मसाले जाते हैं ना। तो अच्छा, अब असल जो डिश है ना, ये हमारे जो बंगाली भाई हैं तो ये उनकी डिश है ये, लेकिन उनकी रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। उनकी बंगाल के जो लोग होते हैं उनकी रेसिपी क्या होती है, वो जैसे मैं प्याज ब्राउन करी ना, इससे पहले वो क्या करेंगे, जो फिश है हमारे पास जिसमें हमने सॉल्ट और सिरका लगा के रखा है, वो क्या करते हैं, इसमें नमक और हल्दी लगा के रखते हैं और फिश को फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद वो अपना बाकी का प्रोसेस इस तरह से दही का मसाला और सब ऐड करके लास्ट में फिश को ऐड करके दम लगाते हैं। लेकिन ये जो ये रेसिपी है, ये मेरी अपनी रेसिपी है, मैं इस रेसिपी से बनाती हूँ। इसमें थोड़ा सा जो है ना फिश कोरमे का टच देती है और इसका फ्लेवर बहुत मज़ेदार हो जाता है। आप इसको राइस के साथ सर्व कर लें, इसको रोटी के साथ सर्व कर लें, तो बहुत अच्छा रहता है, मज़ेदार रहता है।
चलें जी, जब तक ये फ्राई होती है जब तक हम क्या करते हैं, अच्छा अब हमें क्या करना है, इसका जो ये सिरका वाला जो वाटर है इसको मैंने जो है वो डिस्कार्ड करना है। अच्छा जी, यहाँ जो है वो प्याज हो रही है हमारी ब्राउन, हमें इसको करना है। और साथ साथ जो है वो सिरका का मैं आपको बता रही थी कि सिरका हमें इसका डिस्कार्ड करना है, तो वो मैं इसको डिस्कार्ड कर देती हूँ। ठीक है जी, ये जो सिरका है इसका जो वाटर है ना, ये सारा हम डिस्कार्ड कर देंगे। जी, तो हमने इसका वाटर डिस्कार्ड कर दिया है और प्याज ब्राउन हो रही है, प्याज को हमें इसमें से निकालना होगा। एक प्लेट ले लेते हैं, अभी 2-3 मिनट लगेंगे लेकिन मैं रेडी कर लेती हूँ। जी, तो इसके लिए हमने ले ली है प्याज। अच्छा, साथ साथ अब मैं क्या कर रही हूँ, ये मेरे पास लहसुन पेस्ट है 1 टेबल स्पून, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। फिश में मैंने लहसुन पेस्ट ऐड कर दिया है और 1 टेबल स्पून मैंने लिया था। अदरक नहीं जाएगी इसमें, सिर्फ लहसुन जाएगा। और साथ साथ हमने क्या करना है, इसको करना है मैरिनेट। तो मैं अब फिश को कर लेती हूँ मैरिनेट। इसको मिक्स करा हमने, सबसे पहले जो ये लहसुन डाला हुआ है इसमें मैरिनेट करेंगे हम। प्याज को भी मैं साफ साफ देख रही हूँ ताकि ऐसा ना हो हमारी मैरिनेशन के दौरान प्याज जो है वो चले। जी, लहसुन में मैरिनेट हो गया। अब सारी बारी है ये दही वाले मसाले की। अच्छा, इसको अभी आपने डिस्कार्ड नहीं करना है, इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के यूज करेंगे और ये जल्दी से मैं इसको मैरिनेट कर देती हूँ ताकि हमारी प्याज जो हो रही है इसको शिफ्ट कर देते हैं ताकि आराम से फिर हम इसको मैरिनेट करके फिर इसकी तरफ आ जाए। ठीक है जी। अच्छा, बहुत अच्छे से आपने इसको इस तरह से मैरिनेट करना है, पूरे अंदर तक इसके मसाला जो है वो रच जाए, इसका फ्लेवर रच जाए। और मैरिनेशन टाइम इसका देना है आपने 1/2 आवर। अभी मैं साथ साथ बनाऊंगी लेकिन कोशिश होगी कि ब्रेक पे चले जाएं तो थोड़ी सी इसको हम मैरिनेशन टाइम दे दें ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। ये देखिए, ये इस तरह से आप पूरा इसका मसाज करके अंदर बाहर से सब तरफ से इसको आप मैरिनेट कर। ठीक है जी, ये यहाँ पर मैंने इसको मैरिनेट कर लिया है अच्छी तरह। और मैरिनेट हमने कर लिया है, अब बारी आ जाती है प्याज को ब्राउन करने की, जो कि अब ऑलमोस्ट हो गई है। अच्छा, प्याज को क्रिस्पी ब्राउन करने की एक टिप थी जो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी आप लोगों को बताऊं, आप लोगों के साथ शेयर करूं, लेकिन मैं बता नहीं पा रही थी। तो वो क्या है कि जब प्याज आप ब्राउन करने रखें तो आप पिंच ऑफ इसमें नमक ऐड कर दें, उससे प्याज बहुत क्रिस्पी ब्राउन होगी। अच्छा जी, जब तक हमारी ये प्याज मैं इसको निकाल रही हूँ, ऑलमोस्ट ब्राउन हो चुकी है, जब तक टाइम आ गया एक ब्रेक का, तो आपने कहीं नहीं जाना, ब्रेक के बाद हमें दोबारा ज्वाइन करें। सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक एंड अ वेरी गुड इवनिंग। ब्रेक से आ चुके हैं हम वापस और यहाँ बन रहा है फिश कोरमा या फिश का सालन, दोनों ही आप इसे कह सकते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले क्या हुआ था, यहाँ पर मैंने ली थी 2 अदद प्याज है जिनको मैंने ब्राउन करके यहाँ रख लिया है। फिश का मैं आपको बता रही थी कि फिश की स्मेल ख़त्म करने का क्या तरीका होता है। फिश की स्मेल ख़त्म करने का ये तरीका होता है कि इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं सिरका। तो मैंने इसके अंदर 1/4 कप सिरका ऐड करा था, उसके बाद वो सिरका और सॉल्ट मैंने जो लगाया था इसमें, पिंच ऑफ
उसको मैंने 5 मिनट्स के लिए इसको लगे रहने दिया, उसके बाद मैंने इसका वाटर डिस्कार्ड कर दिया। फिर मैंने लिया 1/2 कप दही, उसके अंदर ऐड करा मैंने 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून क्रश चिली, साथ साथ 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 1.5 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, जायफल एंड जावित्री, 1/4 टीस्पून जीरा, हल्दी और नमक डाल के मैंने ये सारी चीज़ें मैरिनेट करके इसका मसाला तैयार कर लिया था। इस उसके बाद जो मैंने मसाला लगाने से पहले 1 टेबल स्पून इसमें लहसुन पेस्ट इसको मैरिनेट करा, उसके बाद इस मसाले से मैरिनेट करा। बाकी का प्रोसेस आपके सामने है, तो आ जाते हैं अपने कुकिंग प्रोसेस की तरफ। यहाँ पर जो ऑयल जिसमें प्याज हमने ब्राउन की थी वही वाला जो ऑयल था, और प्याज क्रिस्पी करने का तरीका भी मैंने बताया था कि आपने क्या करना है, जब आप प्याज ऑयल में डाल दें, ऑयल गर्म हो जाए, प्याज डालें तो आप पिंच ऑफ इसमें सॉल्ट डाल दें, उससे ये देखें आप इस तरह से क्रिस्पी प्याज जो है वो फ्राई होगी। देखें इसकी क्रिस्पनेस चेक करें, अगर मैं इसके अंदर वो सॉल्ट नहीं डालती तो ये इतने क्रिस्पी नहीं होता, तो इसलिए इसकी क्रिस्पनेस आई उसी वजह से है। और जितनी क्रिस्पी प्याज होगी उतनी अच्छी क्रश होगी। अच्छा जी, अब आ जाती है बाकी की प्रोसेस की तरफ। और ऑयल हमारा गर्म है, ठीक है जी, मसाला लगी हुई जो फ्रेश है उसको हम इसमें डाल रहे हैं पीसेस को। अगर हम फिश की बात करें तो फिश में ओमेगा 3 पाया जाता है, और ये रिड्यूस करता है हमारे जो हार्ट की जिन लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं, जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम ना हो तो उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, बहुत मुफीद होती है। ट्वाइस अ वीक अपने जो है वो मेन्यू में आप फिश सी फूड ऐड करें। और सी फूड में ये नहीं है कि आपने सिर्फ एक ही तरीके की फ़िश बना लें, इतनी सारी रेसिपीज़ मैंने आपको सिखाई हैं और प्राउंस की भी सिखाई है, इसी तरह फिश की भी सिखाई है, तो बहुत सारी रेसिपीज मैं आपको सिखा भी चुकी हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास वैरायटी नहीं है, और बहुत सारी रेसिपीज मैं आपको सिखाऊंगी। इंशाल्लाह मैं फिश बर्गर सिखाऊंगी आपको बनाने, फिश पॉपकॉर्न सिखाऊंगी बनाने, क्योंकि अभी विंटर वेकेशन से बच्चे घर पे हैं, तो बच्चों को हमें सी फूड किस तरह खिलाना है, तो बच्चों को हम इसी तरह खिला सकते हैं कि उनको बर्गर्स में आप फिश पैटी रख के दे दें, और आप इसके नगेट्स बनते हैं फिश के नगेट्स बना लें, आप फिश के पॉपकॉर्न्स बना लें। तो आप इस तरह की जो चीज़ें हैं उससे वेरिएशंस कर करके डिफरेंट तरीक़ों से आपको मेन आपका क्या है, मेन आपका ये है कि आपने बच्चों को सी फूड खिलाना है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको कितना अट्रैक्टफुली करके बच्चों को जो है वो खिलाएं, और कितने मज़े से, यानी कि जो अम्माएँ बच्चों के साथ कर रही होती है ना, मैं भी यही कर रही होती हूँ, तो इस तरह से हमें करना चाहिए। और ये देखें अब मैं क्या कह रही हूँ, फिश में मैं अच्छा फिश बनाने के तरीके होते हैं, फिश टूट जाती है बहुत जो है जल्दी, वो गल जाती है, तो फिश में मैं जो है चमचा वगैरह नहीं चलाती हूँ बहुत ज़्यादा, मैं इस तरह से इसको ताकि ऑयल से अच्छे से फ्राई हो जाए ये इस तरह से करती हूँ, ठीक है। तो आप लोग जो है वो केयरफुली अगर कर सकते हैं तो कर लिया करें। अच्छा जी, अब मुझे क्या करना था, ये जो बाकी का बैटर है और ये जो ग्लास में थोड़ा सा बैटर है, ये वाला जो बैटर इसमें बचा हुआ है, इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, ठीक है, और ये पानी ऐड करके मैं इसके अंदर ये मिक्स कर दूंगी। चलिए अब इसको अच्छी तरह से हम विस्क करेंगे, ये देखें आप इसको साइडों से भी क्लियर कर लें, और ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगी, भुन जाएगी फिश, ये देखें ये अच्छे से ये भुन जाएगी ना, ऑयल से अच्छे से फ्राई हो जाए, तो फिर हम इसमें ये ऐड करेंगे, लो फ्लेम करेंगे क्योंकि दही है फटी नहीं जब तक ये भुन रही है। अच्छा अभी मुझे एक काम और क्या करना था, प्याज को हमने करना है क्रश, और प्याज को क्रश किस तरह करेंगे आप, प्याज को क्रश जो है मैं करूंगी अपनी नाइफ से, आप कर सकते हैं ब्लेंडर में, तो मैं ये कर रही हूँ। जो शेफ नाइफ होती है ना ये बहुत काम की होती है, और ये मशीन्स का काम दे रही होती है आपको,
इसके लिए आप मशीन ऑन करें, उसको जो है वो स्टार्ट करें। वैसे अच्छा नहीं, आप जल्दी जल्दी सब बोर्ड पे कर लें। ये देखें बहुत फाइनली हो जाती है इससे। ये देखें, ये हमने इस तरह से इसको मिक्स भी कर दिया है। अच्छा, थोड़ा सा गला बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, तो ये ग्रीन टी यहाँ पर बनी हुई रखी हुई है, तो मैंने कहा ये थोड़ा सा ताकि आप लोगों से बात करने के काबिल जो है ना वो मेरी आवाज़ हो जाए। मुझे बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा है कि इस खतर अजीब व गरीब निकल रही है। ठीक है जी। अच्छा, इसको इस पर जो है देखें ऑयल ऊपर आने लगा है और ये फ्राई होने लगी है। अब हमने क्या करना है, अब हम इसको थोड़ा सा इसकी फ्लेम को लो कर लेंगे या इसको शिफ्ट कर लेंगे। शिफ्ट करके आप इसको 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ दिएगा, उसके बाद हम ये बैटर इसके अंदर मिक्स करेंगे। चलें जी, अब इसके अंदर बैटर हम मिक्स करने वाले हैं। ये देखें, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये हमने स्लो स्लो इसके अंदर ऐड कर लिया है। अब क्या करना है हमने, ये देखें इसको इस तरह से मिक्स करें। मैंने अभी तक देखें कोई स्पून वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया है। ये देखें, अब थोड़ी देर इसको हम पकाने के बाद ना फिर इसको शिफ्ट करेंगे, मतलब इसको टर्न करेंगे इसके पीसेस को। आ जाते हैं अपनी प्याज की तरफ और ये देखें ये प्याज हो गई है। ये यहां से इसको आप साइड में कर दें जो हो गई है। और ज्यादा फाइन करना चाहते हैं, इसमें और ज्यादा नाइफ चला लेंगे और ज्यादा फाइन हो जाएगी। उसके बाद जो ये बाकी की प्याज है इसको हम चॉप कर लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, प्लेट को मैं यहाँ रख देती हूँ। बस अब इसमें प्याज डालेंगे और ये रेडी हो जाएगी। इसको बस हम 10 मिनट्स के लिए कुक करेंगे मज़ीद। ये देखें, अगर बड़ा बोर्ड हो ना तो बहुत आसानी से चॉपिंग हो जाती है, बहुत मज़ा आता है बड़े बोर्ड में काम करने से, लेकिन थोड़ा सा जगह का इशू हो जाता है। इसमें ये होता है कि फिर आपका मैस ही नहीं होता ना टॉप वगैरह। अब इस सबको कंपाइल करके ये देखें, बहुत फाइनली हम कर लेंगे। चलें जी, हो गई फाइनली हमारी प्याज क्रश। अब क्या करेंगे हम, अब इसको टर्न करेंगे इसके पीसेस को। ठीक है, ये देखें मैं बिल्कुल लाइट जो है अपने हाथ से इसको टर्न कर रही हूँ ताकि ये ब्रेक ना हो, क्योंकि फिर इसकी लुक जो है वो ख़राब हो जाएगी। सारे पीसेस को आपने टर्न कर लेना है वन बाय वन। ये जल्दी टेंडर होती है, आप यकीन जाने फिश के, ये अभी के ब्रेक हो रहे हैं। अगर मैं इसको इतनी एहतियात से ना करूँ ना तो ये मेरे लिए बड़ा मसला बन जाए। ये देखें, अब इसको हमने टर्न कर लिया। अब हम इसके अंदर ये वाली जो प्याज हमने क्रश करके रखी हुई थी ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। और ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। Thank you.
है जी, अब हम क्या करेंगे, इसको मिक्स करेंगे। मिक्स हम इस तरह से करेंगे इसको, और टूट रही है, स्लो स्लो हाथ से आपने इसको मिक्स कर लेनी है। ठीक है, अब हमें इसको पकाना भी है, थोड़ा सा हम इसे ये देखिए, बस ये अब मिक्स हो गई है। लुक एट द कलर, कितना खूबसूरत इसका कलर आया है, बिल्कुल कोरमे वाला ये टेक्सचर इसका तैयार हुआ है। इसको आप राइस के साथ सर्व करें, बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट देते हैं राइस इसके साथ, या आप इसको रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, जिस चीज़ के साथ भी खाएं, ये बहुत मज़ेदार रेसिपी है। ज़रूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि वीनस एच डी वी का यूट्यूब चैनल भी है, जहाँ मेरी बहुत सारी रेसिपीज़ अपलोड हो चुकी हैं अब तक की जो मैं बना चुकी हूँ, और डेली की रेसिपीज़ भी अपलोड होती हैं। तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ कुकिंग विद चाइना वीनस लिखना है उसके आगे, और उसके बाद जो है आपने हमारी रेसिपीज सारी की सारी आ जाएंगी। तो जो रेसिपीज़ आप लोगों से मिस हो चुके हैं, वहाँ जाकर आप वो रेसिपीज़ भी देख सकते हैं। साथ साथ दिया करें, आप करा करें, अपने कमेंट्स और फीडबैक दिया करें। और मेरा अपना पेज भी है शेफ शाइना शुमाइल के नाम से, उसको भी फॉलो करें और उस पर भी जाके अपना फीडबैक दिया करें, कमेंट्स दिया करें। डेली की पिक्चर्स अपलोड हो रही होती हैं, जो गेस्ट हमें ज्वाइन कर रहे होते हैं उनके साथ पिक्चर्स होती हैं, वीडियोज़ होती हैं, थोड़े मज़े मज़े की। ये देखेंगे, इसको हम कवर करेंगे, और अभी तक आप देखें मैंने इस पर लिड नहीं लगाई है, और लिड ना लगाने का रीज़न यही है कि फिश बहुत ज़्यादा फिर जो है वो गल जाएगी, तो आपने इसको लिड नहीं लगानी है, बस आपने इसी तरह से हिलाते जाना है और इसको कुक करते जाना है। अच्छा, मैं हिला क्यों रही हूँ बार बार आप सोच रहे होंगे, क्योंकि वो जो प्याज हमने डाली थी उसको बहुत अच्छे से हमने मिक्स नहीं किया था, तो वो प्याज गल जाए, तो इसलिए हम जो है ना इसको थोड़ा सा बार बार कर रहे हैं। बोट यहाँ से हटा लेती हूँ, और सिनेमन स्टिक जो रह गई थी वो यहाँ पर मैं अब इसमें ऐड कर रही हूँ ऊपर से। वैसे सिनेमन स्टिक जो है ना आपने कब ऐड करनी है, जब आप इसमें फिश डालने से पहले आपने इसमें सिनेमन स्टिक ऐड करनी है। मैं भूल गई थी, तो मैंने अभी ऊपर से इसमें डाल दिए, यानी कि जब प्याज ब्राउन करके जो हमारे पास ऑयल होगा ना, जब हम फिश के पीसेस डाल देंगे, फिश के पीसेस डालने से पहले आप सिनेमन स्टिक डाल दें। और मैंने अभी इसमें ऊपर से डाली क्योंकि मैं भूल गई थी, और यह है कि अगर कभी भूल जाएँ आप भी तो ऊपर से डाल दें, नो इशू। लेकिन ये कि उसका सही राइट वक्त जो है उसका वो यही है। ठीक है जी, ये कुक हो रही है। अच्छा जी, जब तक ये कुक हो रही है, जब तक टाइम आ गया है एक और ब्रेक का, तो आपने कहीं नहीं जाना, ब्रेक के बाद हमें दोबारा ज्वाइन करना है। और आप देख रहे हैं इस वक्त कुकिंग विद चाइना ओनली ऑन वीनस। वेलकम बैक टू आवर ब्रेक, और ब्रेक से आ चुके हैं हम वापस, और यहाँ जो है वो बन रहा है फिश कोरमा, और तकरीबन ये तैयार है। और मैंने अब इसको लास्ट में सिर्फ ब्रेक पे अभी वापस आने से पहले, इसको एक मिनट पहले ही मैंने इसको जो है ना लिड लगाई है, और वरना अदरवाइज़ आपने इसको जो जितनी भी इसका कुकिंग टाइम है उसमें आपने लिड लगाए बगैर इसको कुक करना है। इसके थोड़े से ट्रिक्स थे कि हमने इसमें स्पून नीचे लाना, तो इसको हमने इस तरह से हिलाकर जो है थोड़ा सा इसको पकाना है, तो वो सारे साथ साथ मैंने आपको बताए हैं, तो आपने फॉलो करना है उनको। और इसके अलावा जो है वो इसकी पोजिशन आपको दिखा देती हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल तैयार है। अच्छा, मैंने ब्रेक पे इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करा था 1/4 कप, बहुत ज़्यादा हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा हम इसको कोरमे का टेक्सचर दे रहे हैं, तो कोरमा जो है वो थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा होता है। अदरवाइज़ अगर आप इसको राइस के साथ खा रहे हैं तो आप इसको थोड़ा सा रनी कर लें, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे मैंने 1/4 कप डाला है, तो आप 1/2 कप पानी डाल दें, दैट्स इट। आज जो है वो गली ने जो है ना बिल्कुल साथ देने से इनकार किया हुआ है, तब हम इसको निकालेंगे। एक मैं इसको बाउल भी ले लूंगी इसको निकालने के लिए।
सी फूड की एक अच्छी बात ये होती है कि ये बहुत जल्दी बनता है, और कभी मेहमान आए तो आप झटपट से बना लें, और इंशाल्लाह आगे जाके हम जो है सी फूड की मज़ीद रेसिपीज भी बनाने वाले हैं। और अभी मैं क्या कर रही हूँ इसको, अब मैं क्या करूँगी इसको एक दफ़ा इस तरह से मिक्स कर रही हूँ, ये देखें ताकि ये नीचे से लगे नहीं, ठीक है आपने ये देखा। अब क्या करना है, अब स्टोव को ऑफ कर दें, ऑफ करने के बाद जो है इसको हम 2 मिनट के लिए ढक के रखेंगे, और ढकने के बाद फिर हम इसको निकालेंगे और डिश आउट कर लेंगे। ये रेडी हो जाएगी हमारी आज की रेसिपी, और क्योंकि सर्दियां हैं आपको पता है कि ये दिसंबर चल रहा है और आगे जाके जो है वो मज़ीद सर्दी बढ़ने वाली है, जनवरी आ रहा है, और वैसे तो कराची वाले जो हैं वो सिर्फ 2-3 महीने की सर्दियाँ होती हैं और उनको अवेल कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें अपना बहुत ख्याल करना है आप लोगों को, अपने हाथों पैरों का, स्किन का ख्याल करना है, प्रॉपरली मॉइस्चराइज करा करें अपने हैंड्स को, अपने फोर्स को, अपने फेस को, अपनी बॉडी को प्रॉपरली जो है आपने मॉइस्चराइज रखना है। उसके अलावा अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें, आप देखें कि मैं ना कोल्ड ड्रिंक पीती हूँ, ना मैं आइसक्रीम खाती हूँ, ना मैं ठंडा पानी पीती हूँ, उसके बावजूद मेरा गला इतना ज़्यादा ख़राब हुआ हुआ है। तो उसका रीज़न यही है कि मौसम जो है, एटमॉस्फेयर कराची का बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा नहीं है, पॉल्यूशन बहुत है, वो पॉल्यूशन जो है वो हमारे जो है ना उसके साथ जा रहा होता है हमारी बॉडी में। तो आपने इसी तरह की चीज़ें खानी है, आपने सी फूड का इस्तेमाल करना है, आपने ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है, आपने जो है वो सारे, क्योंकि सर्दियों में एक तो माशाल्लाह ये होता है कि भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है, तो इस तरह की आप चीज़ें बनाएँ ताकि जो है वो आपके अंदर जो है ना वो आप इम्यून सिस्टम जो है ना वो आपका स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि हम अपनी डाइट से अपने आप को चेंज कर सकते हैं, अपने आप को मजबूत बना सकते हैं अपनी डाइट से। अगर हमारी डाइट अच्छी है तो हम स्ट्रांग हैं, हम मजबूत हैं, अदरवाइज इतने सारे जंग हमारे लिए जो है ना हमारा वेट कर रहे होते हैं कि बस किसी तरह जो है इंसानों को जो है वो अट्रैक्ट कर लें। अच्छा जी, अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, और ये यहाँ मैं निकाल रही हूँ, ठीक है। ऑयल देखें कितना अच्छा सा प्यारा सा इस पर ऊपर से आया हुआ है, कलर वलर बिल्कुल परफेक्ट जी। फुली टेंडर है ये, कि निकालने में भी इसके पीसेस ब्रेक हो रहे हैं। चलेंगे अब थोड़ा सा हम इसमें सालन निकाल लेते हैं, ठीक है, मैं इसको ऐसे करके निकाल लेती हूँ। इसके साथ ही हमारी आज की रेसिपी हो गई है डन, आपने ज़रूर ट्राई करनी हमारी इस रेसिपी को, और इंशाल्लाह हम आपसे कल मिलेंगे एक नए दिन एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी वीना सारजी टीवी की टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।